कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाने लगे हैं सैंडविच, ब्रेड के बिना बनाएंगे सैंडविच हम। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये हमने ले लिया है। बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, ये नमक है 1 टीस्पून, ये लाल मिर्च है पीसी हुई 1 टीस्पून, ये हमने 2 प्याज ले लिए थे दरमियानी साइज के, उनको चॉप किया हुआ है। ये 1 टमाटर था उसको भी चॉप कर लिया उसका छिलका उतार के। ये 2 सब्ज मिर्चें थी और थोड़ी सी शिमला मिर्च थी इसको भी हमने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हमने चिकन ले लिया है, इसको हमने उबाल के इसके रेशे कर लिए हैं इस तरह। फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, उसमें हमने 1 कप मैदा डालना है, साथ ही 1/2 कप सूजी का डालेंगे, साथ ही हम ये मसाले ऐड कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ हमने 2 अंडे ले लेने हैं। अब ये 2 अंडे इसमें डालेंगे। डालने के बाद 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी डालेंगे, 1/2 कप पानी डालना है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रख देंगे। ये देखें इस तरह का बैटर होना चाहिए आपका, हमने इसको रखा था। अब ये चिकन जो हमने उबाल के रेशे किए हैं ये डालेंगे इसमें, और साथ ही ये जो टमाटर है, प्याज है और सब्ज मिर्चें और शिमला मिर्च है ये भी साथ ही डाल देंगे। इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। देखें ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने एक सैंडविच मशीन ले लेनी है, ये देखें इसमें सैंडविच हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल लगा लेना है। ऊपर वाली साइड पे भी ऑयल लगा लेना है, दोनों साइडों पे ऑयल लगाना है। अब हम इसमें ये मिक्सचर लगा देंगे, ये जो हमने बनाया है ये हमने मिक्सचर ही लगा लिया है। ये जो इसकी सैंडविच की शेप बनी होती है उसको हमने फिल कर दिया है अच्छे से। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हमने मशीन को ऑन कर दिया है और 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, चेक कर लेंगे। ये 7 मिनट हो गए हैं, 7 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखने लगे हैं। माशाल्लाह ये इनकी लुक देखें आप, बहुत ही टेस्टी से ये सैंडविच हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डिश में निकाल लेंगे। नहीं इजीली ये उतर गया है, दोनों साइडें इसकी बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। ऑयल लगाने की वजह से ये आराम से साथ से उतर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। इनकी लुक भी बहुत अच्छी है, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। पक गया है ये जो मिक्सचर था माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी ये बना है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब हम मिलेंगे एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।